अपनी चौथी जीत के साथ दिल्ली कैपिटल को किया है यहां पे धराशायी। चेन्नई की टीम ने और क्वालिफिकेशन के प्लेऑफ में जाने के जो सपने टूट रहे थे उनको एक बार फिर से सिमेटते हुए प्लेऑफ के सपने के थोड़ा सा और पास आई है यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स। क्या रह सकता है यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का कारवां, आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ लक्षित। 8 मुकाबलों में जहाँ सिर्फ 2 मुकाबले जीते थे 6 मुकाबले हारे थे। कप्तानी पे वहां से वापस आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और एक पर्याप्त वापसी हम यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, जहाँ पहले हैदराबाद को मात दी, फिर हालांकि बेंगलोर की टीम से हारे जरूर थे लेकिन आज दिल्ली की टीम के सामने एक जीत आई है और काफ़ी बड़ी जीत आई है जिसने नेट रन रेट में भी काफ़ी अच्छा इजाफा किया है, क्योंकि 91 रन की बड़ी जीत के साथ ध्वस्त किया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। अब अगर देखा जाए 11 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं, 8 अंक इस समय यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के, 3 मुकाबले यहाँ से चेन्नई की टीम के बचे हैं। वो तीनों मुकाबले चेन्नई को जीतने होंगे, वो तीनों मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतने होंगे क्योंकि चेन्नई जो यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 अंकों पे पहुँच सकती है, वो 14 अंकों के साथ जितनी भी बेहतर उनकी नेट रन रेट होगी वही चाहते होंगे। लेकिन मात्र यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी परफॉर्मेंस और नेट रन रेट पे काम नहीं करना है, साथ में दुआएं करनी होगी बाकी टीमें किस तरह से परफॉर्म करें। जहाँ पे आपको बता दें इस समय राजस्थान और बेंगलोर ये टीमें हैं जो नंबर 3 और नंबर 4 के पायदान पे मौजूद हैं और इन दोनों टीमों के अभी 14-14 अंक हैं। यहाँ से यही रिक्वायरमेंट रहेगी कि अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जो बचे हैं बेंगलोर के और जो बचे हुए 3 मुकाबले हैं यहाँ से राजस्थान के, ये दोनों टीमें अपने बचे हुए सभी मुकाबले हारें ताकि ये 14 अंकों से आगे ना जा पाए। सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, ये तीनों टीमें अपने बचे हुए मुकाबलों में से कम एक मुकाबला जरूर हारें ताकि ये तीनों टीमें 16 अंक पे ना पहुंच पाएं और ये तीनों टीमें 14 अंक पे ही रह जाएं। बढ़िया बात यह है यहाँ पे जो चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट है आज दिल्ली के सामने जीत के बाद +0.2 पे जरूर पहुंच चुका है। उस नेट रन रेट के साथ साथ ये भी देखना होगा हैदराबाद, पंजाब, दिल्ली, जैसा कि हमने आपको बताया, अपना बचा हुआ एक एक मुकाबला जरूर हारे ताकि वो 14 अंकों से आगे ना जा पाए और उसके बाद जब लीग स्टेज खत्म होगा और ये बात जाएगी लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले तक, जहां पे हैदराबाद और पंजाब का इस लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है, अगर वो दोनों टीमों में से कोई भी एक टीम अपने बचे हुए 3 में से 2 मुकाबले जीतती है और आखिरी मुकाबले में पहुंचती है वहां तक जाएगी बात, तो मतलब इस बार का जो चौथे प्लेस का सिनेरियो है वहां पे अगर बैंगलोर अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हारती है वो बेहद 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 रोमांचक जाएगा और वहां से आप सभी की फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जगह भी बन सकती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया ये सिनेरियोज रहेंगे, एक बार फिर से जल्दी से कर देते हैं रिपीट, चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने होंगे, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतने होंगे ताकि नेट रन रेट और पॉजिटिव में जाए। उसके बाद राजस्थान या बेंगलोर में से किसी भी एक टीम को अपने बचे हुए सभी मुकाबले हारने होंगे ताकि वो 14 अंकों से आगे ना जाए। उसके बाद तीसरा जो सिनेरियो आता है हैदराबाद, दिल्ली और पंजाब, इन तीन टीमों को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कोई भी एक मुकाबला हारना होगा ताकि ये 3 में से कोई भी टीम 16 अंकों पे नहीं जाती है, तभी चेन्नई के साथ ये टीमें 14 अंकों पे रहेगी और इसी के साथ चेन्नई की नेट रन रेट पॉजिटिव में काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। मतलब हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या बेंगलोर में से जो भी टीम 14 अंकों पे होगी उनसे बेहतर नेट रन रेट चाहिए। मतलब सिचुएशन ऐसी है जो होती लाखों में एक बार है, लेकिन अगर इस बार होगी तो जी आप एक चमत्कार देखेंगे और अगर यहाँ से चमत्कार होने के बावजूद क्वालिफाई होने के बाद कहीं जीत जाती है ट्रॉफी को यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स, तो आप कहेंगे ये IPL नहीं है, IRL है, इंडियन रोमांचक लीग जो काफ़ी रोमांचक बनते ही जा रही है। आप तब तक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप चाहते हैं कि चेन्नई क्वालिफाई करें या ना करें और सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के YouTube चैनल को जानने के लिए IPL और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।